Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are staying safe at home. So in today's class, we are going to start exercise of the same lesson, lesson 7, the unhappy dog. Okay, so in exercise, first we are going to do it in our book only and then we'll move towards our classwork copy. Theek hai? So first we'll be doing the book work. So the first question for today is, answer time on page number 54. So today we are going to do the exercise of 54 and 55. Okay, so page number 54 se start hoke 55 pe end karenge hum. So the first question is, number these sentences in the order as they appear in the story. Okay, so aapko kya karna hai, quickly open page number 54, take out your pencil and eraser and get ready. While you are taking out your book, I will be writing the page number, also the date. So date यहाँ पे मैम इसलिए नहीं लिख रही कि आपको बुक में लिखना है, मैम सिर्फ ऐसे ही लिख रही है यहाँ पे ताकि आपको पता हो कि कौन से दिन का वर्क है. बाकी आपको पेज नंबर मैं बता देती हूँ यहाँ लिख करके, पेज नंबर 54 एंड 55. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए. ओके, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर. ठीक है, सो द क्वेश्चन वॉज नंबर दी सेंटेंसेस, और आगे बहुत सारा लिखा हुआ था, इन द ऑर्डर एज दे अपियर इन द स्टोरी, बट द क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन शॉर्ट, नंबर दीज सेंटेंसेस. ठीक है, इसके बाद आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके आगे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको नंबरिंग करना है कि कौन सा सेंटेंस लेसन में पहले आया है. ठीक है, सो हम पहले रीड कर लेते हैं 5 सेंटेंस. आफ्टर अ फ्यू डेज स्नूपी सॉ अ जिराफ प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री. फर्स्ट सेंटेंस है. ठीक है, स्नूपी वॉज राज पेट डॉग, स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल इन द गार्डन, द स्पैरो वॉज प्लेइंग विद द बॉल इन द गार्डन, द स्पैरो फेल्ट टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग सो लॉन्ग. अब देखो, आपको सिंपल चीज है, बहुत ईजी सा ट्रिक बताएगी मैम आपको. सबसे पहले देखना है सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट सेंटेंस में जिराफ के बारे में बात हो रही है. तो लेसन के बिगनिंग में ही जिराफ के बारे में बात हुई थी क्या? नहीं, सेकेंड हाफ में पहुंचते पहुंचते उसके बारे में बात हुई थी. ठीक है, तो ये सेंटेंस तो पहला नहीं है, उसको ड्रॉप करते हैं. सेकेंड सेंटेंस, स्नूपी वॉज राज पेट डॉग, ये पहला सेंटेंस हो सकता है. यस, क्योंकि लेसन शुरू होते ही हमने स्नूपी और राज के बारे में बात किया था, है ना, और ये सेंटेंस हमारा पहला ही है, स्नूपी वॉज अ पेट डॉग ऑफ राज. ठीक है, सो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो राइट नंबर 1 इन द सेकेंड बॉक्स. मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंस, स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल इन द गार्डन, स्नूपी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल इन द गार्डन. ये कब हुआ था? जब स्पैरो की बात हो रही थी, तो ये तो बहुत बाद की बात है ना, ये नहीं हो सकता. द स्पैरो वॉज प्लेइंग विद बॉल इन द गार्डन. सॉरी, आई गेस आई हैव रिटन शिट, आई हैव रिटन द सेंटेंस रॉन्ग, आई विल करेक्ट इट. स्पैरो, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन इन दिस सेंटेंस, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन द थर्ड वन अगेन. सो द सेंटेंस इज, स्पैरो made him realize that he had an easy life. Okay, fourth sentence is, स्पैरो ने स्नूपी को रियलाइज कराया कि इसका एक इजी लाइफ था. तो ये भी लास्ट में बात हुई थी, तो ये भी सेंटेंस नहीं. द स्पैरो फेल्ट टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग सो लॉन्ग, ये सेंटेंस भी बाद में. सो हम वापस से नंबर 1 पे जाते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज स्नूपी सॉ अ जिराफ प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री. अब अपकमिंग जितने सेंटेंस है इसमें से सबसे पहले यही आएगा, जिराफ. स्पैरो की बात बाद में हुई थी, वो गार्डन में बॉल खेलने भी बाद में गया था. हम सबसे पहले ये वाला सेंटेंस लिखो, तो नंबर 2 लिखो फर्स्ट बॉक्स, राइट नंबर 2 इन फर्स्ट बॉक्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्नूपी वॉज प्लेइंग विद द बॉल इन द गार्डन, यस राइट.
So again, number 3 in third box. Write it quickly. Then, the sparrow felt tired after flying so long. Fourth sentence है, fifth वाला. पहले हमने ये बताया था कि स्पैरो थक गई थी बहुत उड़ उड़ के. उसके बाद हमने बताया कि स्पैरो ने अपनी लाइफ के बारे में बताया और कहा कि स्नूपी की लाइफ कितनी इजी है ना. तो लास्ट सेंटेंस द फिफ्थ वन इज फोर्थ, है ना. फोर्थ सेंटेंस के आगे नंबर 5 लिखेंगे, ठीक है. सो देयर आर 5 सेंटेंसेस इन द बुक. हमने उसको नंबर 1, 2, 3 मार्क कर लिया, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला देखते हैं. टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन. Now see, I have written the questions here. Question number B, take the correct answer. In this, there are 4 questions given. I have not written the options here. I have written only the question with blanks. Options are given in your book. You can see that from your book. Okay. So I will read one by one and I will tell you the answers. Snoopy saw a cat walking on a blanks. Snoopy ne cat ko kiske upar chalte hue dekha? Ab dekho options diya hua hai aapko book mein. रोड है ना, रोड एंड हाई वॉल एंड व्हाट इज इट, ट्रैक. ओके, सो किस पे वॉक करते हुए देखा था? हाई वॉल. सो राइट हाई वॉल इन फर्स्ट वन. हाई HIGH हाई, WALL वॉल, हाई वॉल. डन. ओके, सेकेंड वन इज स्नूपी विश्ड ही कुड लिव इन द ब्लैंक्स. स्नूपी ने क्या सोचा था, क्या विश कर रहा था वो कि वो कहाँ रह पाता. ऑप्शंस देखते हैं हम. पॉन्ड, सी, कूल, रिवर, वाटर. कहाँ गया था वो? रिवर साइड. तो कहाँ रहना चाहता था? कूल रिवर वाटर. सो राइट रिवर, सॉरी कूल रिवर वाटर लिखना, सॉरी. राइट COOL कूल, RIVER river, WATER water, cool river water. Clear? Yes. Third one is the blanks had a long neck and he could pluck leaves. इसमें options की जरूरत है क्या? Question पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि किसकी लंबी गर्दन थी. Who had long neck? Giraffe, duck or elephant? Giraffe. So right? GIRAFFE giraffe. Clear? Moving on to the fourth question. Every day the sparrow had to fly a lot for blanks. अब हर रोज sparrow को उड़ उड़ के दूर जाना पड़ता था किस चीज के लिए. Options are, what is it? Sticks, कॉटन, फूड एंड वाटर. किस चीज़ को ढूंढने जाती थी स्पैरो? फूड एंड वाटर. सो राइट फूड एंड वाटर इन लास्ट ब्लैंक्स. फूड एंड वाटर. क्लियर? सो वी हैव रिटन 4, टिक द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन योर बुक. सो वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 54 एंड 55. क्लियर एवरीवन? Now I hope you have also completed along with me, and those who have not, try to complete it today itself. Do not keep it for later. It will give you more burden, right? Yes. So this is it for today. Good day, everyone.